सरकार के सामने रखे। एक है मीडिया, आप जानते हैं कि हमारा नेशनल मीडिया क्या कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो हेट कंपेयर के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो इस तरह की चीजों में उलझ के रह जाएंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने के हाथ देखते रहेंगे, तो उनका मसला हल होने वाला नहीं। ये जो हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर और नॉन इश्यूज के नाम पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अभी मैंने श्रीलंका की मिसाल आपको दी है, श्रीलंका ने उस पर तमिलियन पर कर ली राजनीति, मुसलमान पर राजनीति कर ली, जब पब्लिक के असल सवाल से लोग परेशान होने लगे तो फिर तमिलियन मुस्लिम और सिन्हाली सब मिलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। आंदोलन करने का मतलब सिर्फ ये भी होता है कि जो मेंबर है वही आंदोलन करेंगे। हमारे बहुत सारे हमारे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इलेक्शन में हमको जो वोट मिलता है वो सब चीजों को देखते हुए हमने हर स्टेट का एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आंदोलन के कई रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये कि हम खुद जा रहे हैं जो लोग अफेक्टेड हैं उनके पास में, चाहे जो लोग उज्ज्वला स्कीम के तहत हैं। हमने अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर में कई लाख लोगों के सिग्नेचर लेकर भेजा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इस तरह से हम ये इनके सिग्नेचर्स भी ले रहे हैं। अन्ना योजना से जो लोग मुतासर प्रभावित हैं उनको भी, और जो लोग उज्ज्वला योजना जिन तक नहीं पहुंची है उनसे भी। तो ये इसके कई तरीके हैं पब्लिक तक पहुंचने के जो हम लोगों ने अख्तियार किए हैं हर स्टेट के अंदर। 15 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, धरना है, जुलूस है, रैलीज है, पब्लिक मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, स्टॉक होल्डर तक जाना है, सिग्नेचर कंपेन है, ये सब चीजें इसमें हो। डेमोक्रेसी के अंदर दो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आम आदमी की समस्याओं को सरकार के सामने रखे। एक है मीडिया, आप जानते हैं कि हमारा नेशनल मीडिया क्या कर रहा है, लेकिन दूसरी चीज जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमने ये तय किया है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक हम पहुंचेंगे, स्टूडेंट की जो संस्थाएं हैं हम उन तक पहुंचेंगे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हमने SFI, AISF, NSUI, फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, SIO और जितने भी छात्र मूवमेंट्स हैं उन सब से कांटेक्ट किया है, वो सब हमारा साथ देंगे। तो जो स्टैक होल्डर्स हैं देखिए हमारा कहना ये कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी सरकार नहीं सुनेगी। अभी आपने देखा हो श्रीलंका में क्या हुआ, तो हमारा कहना है कि हम कब तक इंतजार करेंगे, पब्लिक किस बात के लिए किस भरम में बैठी हुई है। हालांकि इससे खराब होने वाली है, इससे बेहतर होने वाली नहीं है। आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विश्व गुरु का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ख्वाब है, उसको अगर आप उसको साकार होना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये समस्याओं को हम पब्लिक से लेकर मैदान में, ये हम पॉलिटिकल पार्टी से इंतजार नहीं करेंगे। तमाम संस्थाएं जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सब एक हाथ में चले गए, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या RBI हो, जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज थी उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा कहना ये कि देखिए कभी भी किसी भी देश के अंदर जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, ऑटोक्रेसी आ जाए, तानाशाही आ जाए, तो फिर पब्लिक खड़ी होती है मैदान। आपने देखा कुछ दिन पहले अरब स्प्रिंग के नाम से 2012 में एक दो बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर गई, चाहे ट्यूनिस की हुकूमत हो चाहे इजिप्ट की हुकूमत, पब्लिक ने किया ना। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका में वही पब्लिक जो कल तक तामियंस के नाम पर, बाद में मुसलमानों के नाम पर वो हेट कंपेन चला रही थी, जब उसको देखा गया हम तो लूट रहे हैं, सरकार तो हमको लूट रही है, तो जब पब्लिक खड़ी हो गई तो सरकार को जाना पड़ा। तो मेरा कहना यह है कि हम हमारे देश में जाहिर है एक बड़ा देश है, अलग अलग समस्याएं हैं अलग अलग में, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पब्लिक को यह समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी समस्याओं में कोई कमी होने वाली नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो हेट कंपेयर के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो इस तरह की चीजों में उलझ के रह जाएंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने के हाथ देखते रहेंगे, तो उनका मसला हल होने वाला नहीं। उनकी समस्या है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सही से गुजरनी चाहिए, उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए, रुपये की कीमत बढ़नी चाहिए और महंगाई खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, ये उनके असल सवाल। हम समझते हैं कि इस सवालों को लेकर ही मैदान में उनको आना है। पब्लिक आए यानी लोग पॉलिटिकल पार्टी आए या ना आए,
मीडिया ये काम करे या ना करे, बहरहाल हम अपने भर जो कोशिश होती है हम कोशिश करें। देखिए मैंने आपके आने से पहले ये बात कही थी, हमने आपके आने से पहले ये बात कही कि एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान छेड़ा है और वो घर घर यानी वो पब्लिक तक पहुंच रहे हैं और पब्लिक का जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है ये जाहिर कर रहा है कि पब्लिक बहुत परेशान है। हमारा कहना ये कि और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चीजों को लेकर आना चाहिए मैदान। कांग्रेस को के इस कंपेयर की हमने हिमायत की, हमने इसको भारत तक नहीं किया। मैंने खुद ये बात कही आपसे कि हमारे देश में 1% लोग हाथ में कितनी दौलत अक्यूमुलेट हो गई है और सरकार की जितनी यानी अर्थ नीतियां हैं उनको आप उठाकर देखिए कि वो कैसी स्कीम बन रही है। करोड़ों रुपए का लोन मिल जाता है अडानी को और फिर कई करोड़ रुपए का लोन वे हो जाता है। पब्लिक को किसानों को आप लाख दो लाख रुपए देते हैं तो उनसे लेने के लिए आप उनके सर पर छुरा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं उनको आप लोन दे कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं देश से, उनको लाने की कोई कोशिश नहीं होती है। आपने जो 2014 में आए थे तो आपने कहा था कि जो स्विट्जरलैंड में हमारा पैसा पड़ा हुआ है वहां से लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, अब वो आप भूल गए उसको। तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए सरकार ने बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे 2014 में लेकिन अब उन पर कोई बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि आप असल मुद्दों में बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें बंद करिए, असल सवाल जो देश के सामने हैं जो हर आदमी को हिट कर रहे हैं उन सवालों का जवाब। देखिए पावर में हम आज आएंगे या कल आएंगे हमारा इससे कंसर्न नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर की लड़ाई लड़ेगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। देखिए हमने केरला में आज से 5 साल पहले नहीं, आज से जब जब यूडीएफ की सरकार थी केरला में, हमने एक पब्लिक का इशू उठाया। हमने कहा कि केरला के अंदर कई लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, घर के लिए जमीन नहीं है। हम लोगों ने लैंड फॉर लैंडलेस के नाम से एक कंपेन शुरू की, कासरगोड से लेकर त्रिवेंद्रम तक 3.5 लाख लोग उस कंपेन से जुड़े और जब वो कंपेन चरम सीमा पहुंची पब्लिक मैदान में खड़ी हो गई तो सरकार ने असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया कि हम हर उस आदमी को जो बीपीएल से नीचे हैं 3 सेंट जमीन दें और वो बिल पास हो गया। उसके बाद जब सरकार ने जमीन नहीं दी तो हमने जो लोग अफेक्टेड लोग थे जो लोग प्रभावित थे उनको या तो उठा दिया सरकारी जमीन पर या तो ये आप दीजिए या ये यहीं बैठेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे पास कोई एमएलए नहीं था केरला में, कोई एमपी नहीं था, लेकिन हमने एक स्कीम खड़ी की, सरकार को दबाव में डाला और उसको वो उनका फायदा उन तक पहुंचाया। हमारा कहना ये कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी का रोल यही होता है, चाहे वो सत्ता में रहे या आप विपक्ष में रहे या सरकार में हो या ना हो, उसका काम यह है कि पब्लिक की समस्याओं को लेकर मैदान में खड़ी हो और उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। देखिए मैंने आपसे बताया कि हमने डिफरेंट टाइप की चीजें की, हमने अनएम्प्लॉयमेंट योजना के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोग्राम रखे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो संस्थाएं काम करती है, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन के उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, उनके साथ हम पब्लिक में भी आएंगे और इंस्टीट्यूशन में भी आएंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि हम जो लोग उज्ज्वला योजना में जो लोग लगे थे जिनको कहा कि हमने 8 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया, हम उनके घर घर जा रहे हैं उनसे एक बात ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिल गया, अगर वो नहीं मिला तो वो हमारे इसमें साइन कर देगा, और मिल गया है लेकिन हम रिफिल नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो हम ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, हम डिस्काउंट उनके सिग्नेचर लेकर हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। दूसरी बात हमने ये कही कि जो ये अन्ना योजना है प्रधानमंत्री की, उसके लिए भी जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उनको पहुंचा या नहीं पहुंचा उन तक भी हम जा रहे हैं, उनसे भी हम सिग्नेचर लेके पोस्ट कार्ड में भेजेंगे उस मिनिस्ट्री के पास। इसके बाद हमने ये तय किया है कि ये जो लेबर से रिलेटेड मामला है, हमारी एक ट्रेड यूनियन है इंडियन फेडरेशन ट्रेड यूनियन के नाम FITU फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसके जरिए से हम वो मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक स्टूडेंट्स की संस्था है जिसका नाम है फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके जरिए से हम रोजगार के सिलसिले में काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि सबसे आखिर में हर स्टेट में 31 अक्टूबर को एक रैली निकलेगी
जो पूरे इशू को लेकर चलेगी साथ। और लास्ट में हम विंटर सेशन के मौके पर यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मार्च करें। ये सब काम है जो हम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट मार्च में हम यहाँ पे अच्छे खासे लोग जमा करेंगे, वो पूरे देश से आएंगे लोग यहाँ पे। वो अभी हम तो इसकी इसका इसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले विंटर सेशन अनाउंस हो जाए। विंटर सेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, डेट अनाउंस नहीं हुआ। मैंने आपसे बताया कि हमने क्या क्या डिमांड्स की है। हमने पहली डिमांड ये की है कि पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर किया जाए, जीएसटी के अंदर लाया, और वो टैक्स जो आप लेते हैं अंधाधुंध टैक्स लेते हैं वो सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने ये बात कही है कि रोजगार को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर तस्लीम किया जाए और आर्टिकल 21 के तहत उसको लाया जाए। हमने ये बात कही कि जो ये जो योजना है आपकी उज्ज्वला योजना है उसको इंश्योर किया जाए कि हर आदमी तक पहुंच जाए, और ये बात भी कही है कि उनको रिफिल के लिए डिस्काउंट दिया जाए, यानी वो अगर आपने सिर्फ सिलेंडर पहुंचा दिया लेकिन पास में रिफिल करने का पैसा नहीं है तो पड़ेगा ना लोगों पास से, हमने उसकी उसका भी बात की है। हमने ये बात भी कही है कि ये जो लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में खर्च करने के लिए, उससे इकोनॉमी नीचे आ रही है, हमारे बड़े बड़े मॉल शॉपिंग मॉल दुकानें खाद में सामान रखा हुआ है, लेने वाले नहीं है, तो खरीदार उस वक्त होगा जब उसके पास पैसा होगा जेब में। तो हमने ये कहा है कि आप पैसा प्रोवाइड कीजिए लोगों को ताकि मार्केट में मार्केट भी उसमें जान आए। तो ये सब चीजें हम कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हमने कही है जो सरकार से हमारे मुताबिक हम पब्लिक के जरिए से उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये कोशिश हमने पिछली बार वेस्ट बंगाल में भी की थी, और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी से वहां हुई थी। उसके बाद हमने इसी तरह की कोशिश केरला में भी की थी इलेक्शन के मौके पर। हमारी कोशिश ये होगी, देखिए समस्या ये है कि हम महसूस कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार पब्लिक के इशू से बात नहीं कर रही है, पब्लिक के इशू को हल करने की कोशिश नहीं कर रही, और उसके मुकाबले में हमारे देश में ऑटोक्रेसी आ रही है, फांसीवाद आ रहा है। तो हमारा कहना ये कि हमारी कोशिश ये होगी 2024 केस में कि हम जितनी सेकुलर पार्टीज हैं चाहे छोटी बड़ी उन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की हमारी कोशिश होगी। पिछले दिनों यहाँ पे सिविल सोसाइटी मूवमेंट ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें कांग्रेस भी थी, सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, टीआरएस भी थी, और हम भी थे। तो मैंने वहां पे यही बात कही थी कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि हम दो फ्रंट बनाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिलाकर हम फ्रंट बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त फ्रंट बनाएंगे। मैंने कहा अगर आपने ये किया तो फिर आप 2024 में नहीं आएंगे, बीजेपी बाकी रहेगी। एक ही फ्रंट होना चाहिए बीजेपी मुकाबले में जिसमें तमाम सेकुलर पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दीजिए जो वोट की राजनीति नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते। देखिए हमारा कहना सिर्फ यही है कि जनता ने बहुत उसके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन ये जो देखिए असल इश्यू ये है कि ये तो देखिए डेमोक्रेसी के अंदर ये तो सिलसिला चलता ही रहता है कि आप किसी एक पार्टी को लाते हैं पावर में, उससे नाराज होकर दूसरी को लाते हैं, उससे नाराज तीसरी को लाते हैं पावर में, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हो या पब्लिक हो, आम सदन के जो मुद्दे हैं इलेक्शन उन मुद्दों पर लड़ा जाए। ये जो हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर और नॉन इश्यूज के नाम पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट अखबार पर इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको मालूम होगा आप कितने पानी पे। देखिए मेरा मानना यह है कि जिस भरम में मौजूदा सरकार ने लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तहत में, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अभी मैंने श्रीलंका की मिसाल आपको दी है, श्रीलंका ने उस पर तमिलियन पर कर ली राजनीति, मुसलमान पर राजनीति कर ली, जब पब्लिक के असल सवाल से लोग परेशान होने लगे तो फिर तमिलियन मुस्लिम और सिन्हाली सब मिलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। मैं समझता हूँ कि वक्त आने वाला है ये सरकार के दिन उल्टी गिनती। ये एक इलेक्शन दो इलेक्शन बस, उसके बाद तीसरे इलेक्शन में हम समझते हैं कि असल मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाए। हमने करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है। नहीं नहीं देखिए
हम तो लामबंद श्रीलंका हो या ना हो, हम कह रहे हैं श्रीलंका में जो कुछ हुआ पब्लिक को आप उस जगह पे नहीं पहुंचा दीजिए कि वो श्रीलंका के रास्ते में जाने लगे। सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई, हमारी जिम्मेदारी है क्या? सरकार अगर लोगों के नहीं, सरकार अगर लोगों की समस्याओं को हल करने कर रहे तो कहां श्रीलंका की जरूरत पड़ेगी आपको? आप सरकार अब सरकार उन पॉलिसियों पर अमल नहीं कर रही है तो आप उसको धकेल रहे, आवाम को धकेल रहे उस रास्ते पर। धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रश्न आनंद बातें चाय का और